वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती नीमच में पूरे आन बान और शान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्यता के साथ एक विशाल वाहन रैली दो पहिया और चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ नीमच के महाराणा प्रताप मार्केट से प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप के अनुयायियों के हाथों में ध्वज लहरा रहे थे। ये वाहन रैली नीमच कैंट बरादरी श्री राम चौक घंटाघर पुस्तक बाजार भारत माता चौराहा कमल चौक मेसी फर्गुसन शोरूम चौराहा होते हुए ग्वालटोली स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पहुंची। यहां महाराणा प्रताप की आदमगत प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन किया गया। नीमच सिटी पहुंचकर रैली धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। धर्मसभा को सुरेश जी शास्त्री और अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इसके बाद एक विशाल चल समारोह नीमच सिटी के मुख्य मार्गों से निकाला गया, जिसमें ताशा पार्टी और मनासा का अखाड़ा मुख्य आकर्षण रहा। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। वर्ष भी मान सम्मान स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के पुजारी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती हम भी जब छोटे थे तब से लेकर के और आज तक एक परंपरा है जो चल रही है सतत। इसी के साथ में ये किस तरह से मनाई जाती है, इस मंच पे कौन कौन आ चुके हैं, ये तो लंबा विषय होगा, लेकिन फिर भी भैरव सिंह शेखावत, उमा भारती, जयभान सिंह पवैया, हुकम चंद जी सांवला सहित आचार्य धर्मेंद्र सहित बड़े बड़े वक्ता इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम भव्य वाहन रैली के साथ में निकाली जा रही है। उसी के साथ में ये जो वाहन रैली यहाँ से नीमच नगर से लेकर के नीमच सिटी से छावनी जाएगी, छावनी से मतलब अग्रवाल पंचायत भवन, घंटाघर, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार, 40 कमल चौक और फुमारा चौक होते हुए फिर ग्वालटोली महाराणा प्रताप का जो वहाँ पे आदमकद का जो स्टेचू लगा हुआ है वहाँ पे महाराणा प्रताप की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके साथ में यहाँ पर यादव मंडी से होकर के यथास्थान प्रताप चौक पर वाहन रैली समाप्त होगी। यहाँ से कितने वाहन शामिल हो रहे हैं ये अनुमानित मतलब है, जो हमारा लक्ष्य 200 का है, लेकिन मतलब है ना तो 150 के आसपास मतलब है ना तो वाहन हो जाएंगे। उसके साथ में कारें भी है, जीपें भी है। इसी के साथ में यहाँ पर 6:30 बजे के लगभग यह वाहन रैली समाप्त होकर के धर्मसभा के रूप में परिवर्तित होगी। धर्मसभा के अंदर महामंडलेश्वर 1008 श्री सुरेशानंद जी महाराज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर रहेंगे और वक्ता के बाद ये यहाँ पर चल समारोह प्रारंभ होगा जो नीमच सिटी के प्रमुख मार्गों से इधर चल समारोह में मुख्य आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा कि महाराणा प्रताप भी स्वांगधारी है हमारे पास, उसी के साथ में ताशा पार्टी जो बुलाई गई है वो अच्छे कर्तव्य दिखाती है, लगातार चलते रहती है और चल समारोह की शोभा बढ़ाती है। उसी के साथ मनासा से एक अखाड़ा आ रहा है बजरंग व्यायामशाला के नाम से, जिसके अंदर 40 खिलाड़ी अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करेंगे और उसी के साथ में मतलब है ना तो महाराणा प्रताप की झांकी भी है।